अस्सलाम वालेकुम गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ये एक नया दिन नया ब्लॉग तो चली गई, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अभी सुबह का 7:30 बज रहा है और घर का मैं सारा काम कर चुकी हूँ, बस नाश्ता बनाना बाकी रह गया है। मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए और आज मैं नाश्ते में बनाऊँगी छोला। तो चलिए गाइस बनाते हैं, वीडियो पर बने रहिएगा। गाइस ढलाई के लिए जो बांस को लगाए थे उसको अबू मेरे साइड में रख दे रहे हैं। आज मेरे अब्बू काम पर नहीं गए हैं, घर पर ही हैं। गाइस आज मैं नाश्ते में छोले बना रही हूँ, आज मेरे को रोटी बनाने का मन नहीं कर रहा था तो मैं रात को मटर को फुलो के रख दी थी और मटर भी अच्छे से फूल गया है। तो चलिए अब इसको उबाल देती हूँ। और इधर मेरी अम्मी छोले के लिए मसाला पीस दे रही है, तब तक मैं प्याज को अच्छे से लाल होते तक भूंज ले रही हूँ। गाइस मैं प्याज को पहले से काट के रख ली थी और कढ़ाई और तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है। तो चलिए इसको लाल होते तक अच्छे से भूंज लेती हूँ, तब तक से मेरी अम्मी मसाला भी पीस लेगी। गाइस प्याज अच्छे से लाल हो चुका है और मेरी अम्मी मसाला पीस के भी ले आई है। तो चलिए मसाला को डाल देते हैं। गाइस चलिए देखते हैं मटर उबला या नहीं, सीटी तो मारा 2-3 बार। गाइस ये देखिए मटर अच्छे से उबल चुका है। गाइस अब मैं मसाला में 2-3 टमाटर कट करके डाल देती हूँ। और गाइस मेरे यूट्यूब के परिवार में से कुछ सदस्य पूछ रहे थे, और गाइस मेरे अम्मी का नाम है सुबैदा खातून और मेरे अब्बू का नाम है मोहम्मद अशफाक खान। गाइस मसाला अच्छे से भुंजा चुका है, अब मैं मटर को डाल देती हूँ और इसको 10-15 मिनट अच्छे से पका लूँगी। गाइस छोला बन ही चुका है, अब मैं इसमें धनिया पत्ती कट करके डाल देती हूँ। मेरी छोटी नानी घर से लाई हूँ मैं तोड़ के धनिया पत्ती को। और छोला में मैं जीरा पाउडर भी डालूंगी, इसको मैं अच्छे से भूंज लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं सिल में पीस दूंगी जीरा को। तो गाइस आज का नाश्ता बन के रेडी हो चुका है, चलिए सभी लोग के लिए निकाल लेते हैं। मेरे अम्मी अबू भी बैठे हुए हैं इधर नाश्ता करने के लिए, उन लोग को भी भूख लग रहा है। चली गई सब बिस्मिल्लाह करते हैं। और आज मैं घर पर ही हूँ क्योंकि आज मेरा स्कूल का छुट्टी है। वाओ छोला खा के तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया, मस्त बना था छोला। अब चलिए नानी घर सेट चलते हैं। और इधर सभी लोग बैठे हुए हैं, नाना नानी और मेरे भैया। और आज मेरे बड़े मामा का बाइक को क्या हो गया? अच्छा अपने बाइक का चेन इस पॉकेट चेंज कर रहे हैं। गाइस आप सभी को पता नहीं होगा तो मैं बता देती हूँ कि मेरे बड़े मामा बाइक रिपेयरिंग करते हैं। जा रही हूँ गाइस नाश्ता का कुछ बर्तन पड़ा हुआ है उसको जा रही हूँ धोने के लिए। ज्यादा बर्तन तो नहीं है धोने के लिए, थोड़ा सा ही बर्तन है, उसको धो लेती हूँ फिर उसके बाद मैं नहाऊंगी। और गाइस आज वैसे भी ज्यादा ठंड भी नहीं लग रहा है। गाइस मैं नहा धोके रेडी हो चुकी हूँ, मैं जा रही हूँ कुरान शरीफ पढ़ने के लिए। गाइस दुनिया में कहीं सुकून नहीं है सिवाय अल्लाह के इबादत के। और गाइस हमें अल्लाह से हमेशा दुआ मांगते रहना चाहिए, दुआ कभी रद्द नहीं होती। अल्लाह कुरान में गवाही देता है, अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं। गाइस मैं कुरान से पढ़ चुकी हूँ और मैं अटैची में अपना कॉपी पुस्तक रखी थी उसको पूरा चूहा बर्बाद कर दिया, और भी कुछ इसमें डॉक्यूमेंट थे वो सारा का सारा बर्बाद कर दिया चूहा। ये देखिए इसमें आलू को लाके पूरा भर दिया है खा के। और ये मोर पंख में अजमेर शरीफ से ली थी उसको भी पूरा बर्बाद कर दिया। चली गई जो जो सामान है काम का उसको निकाल लेती हूँ मैं, और जो चूहा बर्बाद कर दिया है उसको मैं साइड में रख दूंगी। और इधर मेरे अबू भी हेल्प कर दे रहे हैं मेरी छाटने में, इसको अभी मैं यहीं पर रख देती हूँ, बाद में फेंक दूंगी। और जो कॉपी पुस्तक बच गए हैं अच्छे से उसको मैं रख देती हूँ। गाइस अब मैं जा रही हूँ साग तोड़ने के लिए खेत में, बहुत दिनों से साग तोड़ने के लिए खेत में नहीं गई हूँ, आज जा रही हूँ तोड़ने के लिए। ज्यादा दूर खेत नहीं है, मैं पहुँच नहीं वाली हूँ। ये देखिए गाइस मैं खेत में आ चुकी हूँ और यहाँ पर बहुत ज्यादा भथवा भाजी है। अम्मी बोली कि जा भथवा भाजी आज खाने का मन कर रहा है तो खेत से तोड़ के लिया, तो मैं आ गई तोड़ने के लिए। और गाइस इस भाजी का स्वाद बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, आप भी एक बार ट्राई करिएगा अपने घर में। इस खेत में बहुत बड़ा बड़ा भाजी हुआ था लेकिन मेरी अम्मी और मेरी मामी लोग आए थे तोड़ने के लिए, तो अभी ज्यादा भथवा भाजी नहीं है। ये देखिए इतना भाजी हुआ है, और थोड़ा सा तोड़ लेती हूँ फिर उसके बाद चलेंगे घर।
और गाइस इस खेत में आलू भी जगाए हुए हैं। चलिए मैं भाजी तोड़ चुकी हूँ, अब चलती हूँ घर, जाके अम्मी को दे दूंगी भाजी को। और गाइस इधर मेरी अम्मी रोटी बना रही है दोपहर में, चलिए अम्मी को दे देती हूँ भाजी। मेरी अम्मी बोली जा रोटी को तू बना, मैं जा रही हूँ गेहूं को साफ करने के लिए। गेहूं अच्छे से सूख गया है, आज पिसवाने के लिए ले जाएंगे गेहूं को। एक सप्ताह हो गया गेहूं को सूखते, लेकिन मौसम की वजह से नहीं सूख पा रहा था गेहूं। और गाइस आज मौसम फिर से खराब हो गया, पूरा चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। वो तो ठीक हुआ कि गेहूं आज अच्छे से सूख गया, नहीं तो इस मौसम के चक्कर में गेहूं भी अच्छे से नहीं सूख पाता। और दिन ब दिन ठंड बहुत ही ज्यादा बढ़ते जा रहा है। और गाइस इस गेहूं का आटा एक महीना तक चल जाएगा। काफी दिन से हम लोग दुकान के आटे का ही रोटी खा रहे थे, और गेहूं में बहुत सारे सरसों के दाने भी है, अच्छे से इसको साफ करना पड़ेगा। अम्मी गेहूं को साफ कर लेगी तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ही ले जाऊंगी पिसवाने के लिए। मैं रोटी बना चुकी हूँ, और बाहर में इधर उधर सामान पड़ा हुआ है उसको मैं एक साइड कर देती हूँ। अकेले तो मेरे से नहीं बनता, हनी मेरी मदद कर दे रहा है। पूरा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है, और ये देखिए हम लोगों जो फोल्डिंग था वो भी टूट गया। सबको अब भंगार में बेचना पड़ेगा। फिलहाल तो अभी मैं यहीं रख देती हूँ सब चीज़ों को। गाइस हमारी बड़ी अम्मी लगती है वो कल अजमेर शरीफ से आई है, तो हम लोग जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए। और ये देखिए हम लोग उनके घर पहुंच चुके हैं, मेरी मामी लोग उनसे गले मिल रहे हैं, और मेरी अम्मी गले मिल चुकी, मेरी अम्मी आगे आगे चल रही थी हम लोग से। चलिए अब इनके पास थोड़ा सा बैठते हैं, उनसे बातें करते हैं। अभी अजमेर शरीफ के उर्स में हमारे गाँव से बहुत लोग गए थे, मैं तो बस एक बार गई हूँ अजमेर शरीफ, अब नहीं पता कब ख्वाजा जी का बुलावा होगा। गाइस हम लोग बड़े अम्मी के घर से आ चुके हैं, और रास्ते में हमें ये पेड़ मिला बैर का, और ये देखिए इसमें कितना ज्यादा बैर फला हुआ है। आप लोग को भी खाना होगा तो हमारे गांव आइए बैर खाने के लिए। और इधर मेरी अम्मी बैर को तोड़ने की कोशिश कर रही है डंडे से। गाइस इस जाली की वजह से बैर अच्छे से तोड़ने नहीं बन रहा है हम लोग को। यहाँ बैगन का खेती किए हैं तो चारों तरफ से पूरा घेरावा कर दिए हैं, लेकिन गाइस इस पेड़ में बहुत ही ज्यादा बैर फला हुआ है, और कुछ कुछ कच्चे भी बैर हैं और कुछ कुछ पक भी गए हैं। नानी लोग के खेत में एक बैर का पेड़ बहुत ज्यादा बड़ा था, लेकिन उसको काट दिए मेरे नाना, और उस पेड़ का बैर बहुत ही ज्यादा मीठा था। गाइस बहुत मुश्किल के बाद हम लोग बैर तोड़ चुके हैं, अब चलिए खाते खाते चलते हैं घर। ये बैर भी काफी ज्यादा मीठा है। सो गाइस आज के वीडियो यहीं तक रखते हैं, आई होप आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़, बाय।